हेलो नमस्कार गाइस, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा दिखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम बात करने वाले इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के बारे में। तो इनफर्टिलिटी हम पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुरुषों को जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम, उसी के बारे में बातचीत करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिए आप, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे जानकारी देने वाले हैं और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पा सकते हैं और हमारे पत्नी कैसे जल्दी से जल्दी कॉन्सीव हो सकता है, तो इस वीडियो में हमको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी मतलब जानकारी मिलेंगे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको दबाइए, इसमें हमारे हॉल लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब शुक्राणु की कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो दिनचर्या है, जो खान पान है, जो हमारे गलत आदत है, उसकी वजह से हमारे शरीर में शुक्राणु की कम हो रही है। मतलब हमारे शरीर में स्पर्म की काउंट बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका वजह है हमारा फास्ट फूड ज्यादा खाना, ज्यादा देर तक हमको मतलब रात को जागना, उसके बाद ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा मतलब शरीर में ज्यादा हैवीनेस लेना, उसके बाद ज्यादा देर तक काम करना, उसके बाद ज्यादा देर तक बैठे हुए काम करना, तो इसी के वजह से कोई बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम के वजह से, जैसे हम खान पान सब पेस्टिसाइड से खाना, मतलब दिनचर्या में सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आजकल भारत में। तो इसी प्रॉब्लम से हमारे शरीर में स्पर्म काउंट कम होते जा रहा है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है, हमारे जो पत्नी लोग हैं उनका टेस्ट करने के बाद पता चलता है उनका हर ऑर्गन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, पल क्यों अच्छे से बन रहा है, डिम्बाणु जो है बन रहा है अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया है। फिर पता चलता है अपने पुरुषों को सीमन एनालिसिस करने के बाद पता चलता है हमारे शरीर में स्पर्म काउंट बहुत कम है, मतलब शुक्राणु की मात्रा बहुत कम, लाखों करोड़ों में शुक्राणु होना चाहिए और उसमें से मोटिलिटी मतलब एक्टिव भ्रूण ज्यादा होना चाहिए। जितना एक्टिव भ्रूण ज्यादा होंगे उतना हमारे पत्नी को कंसीव करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे होता है जैसे हमारे शरीर में जो शुक्राणु होता है वो बहुत से ऐसे होता है अबनॉर्मल होता है, किसी का पूछ है, किसी का हेड नहीं है, किसी का हेड नहीं है, किसी उसमें क्या होता है हमारे शरीर में जो पल मतलब पल क्यों तक मतलब अपने अंडा तक हमारे शुक्राणु पहुँचता ही नहीं। फ्रेंड्स, ये भ्रूण हमारे शरीर में कम होते जा रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो फ्रेंड्स, इसको बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं, अभी उपाय कर सकते हैं, अभी आपको एक ही काम करना है। फ्रेंड्स, इसमें वैसे तो आयुर्वेदिक दवाई है, बहुत सी दवाई है, लेकिन उसमें क्या धीरे धीरे काम करता है, आपको लिए लेके आया हूँ एक अच्छे से असरदार और जल्दी काम करने वाला है ऐसे दवाई है। तो फ्रेंड्स, लेफोर्ड स्पर्म रिच कैप्सूल, तो ये लेफोर्ड कंपनी का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्पर्म रिच जो कैप्सूल है वो एक इनफर्टिलिटी की काम आने वाली दवाई है। तो फ्रेंड्स, आप पूछोगे इनफर्टिलिटी क्या है, तो इनफर्टिलिटी हम अगर सहज भाषा में बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कोई शादीशुदा कपल बहुत लॉन्ग टाइम से मतलब बहुत लंबे टाइम से एक साथ रहने के बाद भी मतलब एक साथ संगम करने के बाद भी जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले स्पर्म रिच कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कंपोजिशन क्या है देख लें। फ्रेंड्स, अगर हम इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कोएंजाइम Q10, एलर्जाइन, लाइकोपिन, इसमें जिंक ऑक्साइड, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, उसके बाद है सेफेनियम डाइऑक्साइड और इसमें मिथाइलोग्लोबिन से बना हुआ है दवाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में बहुत बढ़िया वर्क करता है, हमारे शरीर में जो भी कमी है उसको पूरा कर देता है, हमारे शरीर में मतलब शुक्राणु की मात्रा बढ़ाता है, मोटिलिटी की मात्रा बढ़ाता है, हमारे सब शुक्राणु बनाने में मदद करती है और हमारे पत्नी जल्दी जल्दी कंसीव हो जाए ऐसे हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका डोजेस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसका डोजेस दिन में 2 बार लेना चाहिए, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, ये धूप के साथ लेने से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलती है। और इस फ्रेंड्स, सॉफ्ट जेल में आता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल में आता है, ये बहुत बढ़िया और बहुत इफेक्टिव दवाई है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही साइड इफेक्ट तो सही नहीं, फिर भी इसका साइड इफेक्ट मतलब बात करें तो कोई कोई पेशेंट को थोड़ा वाइटिंग प्रॉब्लम आता है, मुक्ति जैसे होती है, किसी किसी को अपोज जैसे होता है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर कोई अनवांटेड सिम्टम आकर आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मतलब वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स, अगर हम जाते जाते आपको बता रहे ये दवाई आप हमेशा अपने डॉक्टर्स के सलाह से लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इतना ही।